नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, प्रोफेशनल रिज्यूम हम किस प्रकार से बना सकते हैं और रिज्यूम का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में सिर्फ 2 मिनट के अंदर अगर आप प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं कि घर बैठे अपना मोबाइल फ़ोन से सिर्फ 2 मिनट में रिज्यूम को किस प्रकार से बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में घर बैठे रिज्यूम बनाकर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है रिज्यूम PDF मेकर, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से सिर्फ 2 मिनट में रिज्यूम को बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है प्लस, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोफाइल नेम को टाइप करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार के पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम को टाइप करना है, ईमेल आईडी को टाइप करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को दे देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैरिड स्टेटस को सिलेक्ट करना है कि सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स को देना है, एड्रेस डिटेल्स देना है, सिटी के नेम को टाइप करना है, स्टेट का नाम को टाइप करना है, यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे इंडिया को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो को अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से सिग्नेचर का फोटो खींचकर रखे हुए हैं उसको अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। और अगर आप अभी तुरंत का तुरंत सिग्नेचर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि सिग्नेचर कर लेना है, तो इस तरीका से आपको करके ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। इतना सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है कि ए साइड में चले आना है। अब यहाँ पे रिज्यूम हेडलाइन यहाँ पे आपको देना होगा। रिज्यूम हेडलाइन देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कि रिज्यूम हेडलाइन यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको समरी को लिखना है। हेडलाइन किस तरीका से लिखना है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का जो चिन्ह दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है किस तरीका से आपको हेडलाइन में लिखना है, समरी में किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जो है कि ए साइड में चले आना है। तो जैसे आप ए साइड में आते हैं उसके बाद अब आपको करियर ऑब्जेक्टिव का नेम को यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, किस प्रकार से फिलअप करना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है इसी तरीका से आपको फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ए साइड में चले आना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना है, एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप करना है, कितना आप पढ़े लिखे हुए हैं इसके बारे में आपको देना होगा। तो किस तरीका से आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का जो चिन्ह दिख रहा है इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए बताया गया है। फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिग्री या कोर्स का नाम को यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम को टाइप करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम को लिख लेना है। और अगर आप 10 क्लास पास नहीं हैं, 10 क्लास से पीछे, या फिर अगर 10 क्लास पास किए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। अगर आप पास कर गए हैं तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम को यहाँ पे लिखना है, कितना परसेंटेज आया है। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर आप लिखना चाहते हैं CGPA में लिखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परसेंटेज टाइप कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएट कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ और किस ईयर्स में पास किए हैं यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सब कुछ फिलअप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ए साइड में चले आना है। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको देना होगा, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दे देना है, जो भी आपसे पूछा गया है यहाँ पे दे देना है। और कैसे फिलअप करना है अगर आप जानना चाहते हैं
तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कैसे आपको फिलअप करना है, कैसे टाइप करना है इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये साइड में चले आना है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल्स आपको देना होगा, तो उसके लिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम को यहाँ पे टाइप करना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स को दे देना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सब कुछ दे देना है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कैसे डिटेल्स को फिलअप करना है तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये साइड में चले आना है। अब यहाँ पे देखिए स्किल एंड अदर्स के डिटेल्स अब आपको देना होगा, क्या आप काम जानते हैं, क्या आप काम कर लेते हैं उसके बारे में देना होगा। उसके लिए यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे डिटेल्स को देना है, ओके का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है, इसको देख कर सही तरीका से आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये साइड में चले आना है और यहाँ से आप जो ऑप्शन को फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ये सब आपको क्या करना है, फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ए टिक आउट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जितना भी आपने डिटेल्स को फिलअप किए हैं सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखिए फिलअप होकर और रिज्यूम यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला फॉर्मेट का इस प्रकार का कुछ इंटरफेस वाला रिज्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप दूसरा फॉर्मेट का सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार के इंटरफेस का यहाँ पे रिज्यूम देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीका से आप जिस तरह का रिज्यूम बनाना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीका से आप जो है कि 7 फॉर्मेट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, 7 तरीका का आप यहाँ से जो है कि रिज्यूम को यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है पहला फॉर्मेट का। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है डाउनलोड के ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके गैलरी में डाउनलोड हो गया है। या फिर अगर आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जो पीडीएफ दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए रिज्यूम बनकर रेडी हो गया है। अब इस रिज्यूम के आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि रिज्यूम बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सिर्फ 2 मिनट में।